Now, by performing all of the above activities, what you have understood about the solubility of substance, write down in your notebook. तो ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इसके बारे में हमें लिखना है जो कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है? तो रिगार्डिंग डिसॉल्विंग द थिंग्स इन द अबव एक्टिविटीज़ विच रिलीज दैट थिंग्स डिसॉल्व क्विकली इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो ऑन स्टेरिंग द वाटर द थिंग्स डिसॉल्विंग क्विकली. अंटिल नाउ we have seen that some substances are soluble in water and some are insoluble. इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि soluble पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं. Some dissolving slowly and some dissolve at the faster rate. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जल्दी घुल जाती हैं और कुछ बहुत धीरे होती हैं. In hot water, the substance dissolve very fast in the comparison of कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में हॉट वाटर में जो भी चीज़ हम मिलाते हैं घोलते हैं वो जल्दी घुल जाती है और कोल्ड वाटर में वो चीज़ें बहुत देरी से घुलती हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट सम ऑब्जेक्ट्स कीपिंग फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन द वाटर इन पॉन्ड लेक्स. आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखे होंगे जो कि वाटर के ऊपर तैरते हैं, पॉन्ड्स या लेक में देखा होगा. Whereas some things sink in water, let us see how do the things float in sink in the water. चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं. Bring a bucket, fill the half water in your class. Everyone collect a few things together like a piece of chalk, pen, eraser, a bit of paper, matchstick, sponge, key, coin, plastic bottle filled with water. Put these things one by one in the bucket water and see which objects float in water and which sink. Make a table in your notebook and write down the observation. अब हम देखेंगे कि हम एक बकेट लेंगे, उसके अंदर हाफ बकेट पानी, ठीक है, और उसमें एक एक करके हम चीज़ें डालेंगे जैसे अ पीस ऑफ चॉक, पेंसिल, इरेजर, अ बिट ऑफ पेपर, मैच स्टिक, स्पॉन्ज. ये सारी चीज़ें हम उस बकेट में डालेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ें पानी के अंदर नीचे चली जाती हैं और कौन सी चीज़ें पानी के ऊपर तैरती नजर आती हैं, ठीक है? उसको देख के हमें उसको कॉपी में नोट डाउन करना है. Which does an object floats and when does it sink? Take a bucket, fill a half water, put a ball pen with a cap fitted on in it the water. See whether it floats or sink. अब आप एक हाफ बकेट पानी लीजिए और उसके अंदर एक बॉल पेन डालिए, कैप लगी हुई बॉल पेन पानी के अंदर डालिए, फिर आप देखिए कि क्या होता है, वो बॉल पेन जो है वो नीचे चली जाती है या फिर उस पानी पे फ्लोट करती है. Now remove its cap and put the pan and cap separately in the water. उसके बाद आप पैन निकालिए, उसका कैप अलग कीजिए और पैन को और कैप को अलग अलग तरीके से वाटर में सेपरेटली डालिए. What happens now? और फिर देखिए, this time remove its refill also and now again put the pen. इसके बाद आप क्या करिए, वो पेन की रिफिल निकालिए और रिफिल डालिए. Its cap and refill separately in the water. उस पैन की रिफिल और उस पैन की कैप वाटर में डालिए. Now see what things float in water. फिर आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ पानी के ऊपर तैर रही है. Put a pan in different position like straight, inclined, etc. in water and now observe. Write down in your experience in the notebook. Basically this chapter is based on experiments. So you have do the experiments at your home. Okay students. Now point the discussions. In the first chance, does the pen sink? पहली चांस में क्या पेन डूब गई थी? No, the pen does not sink in first chance. पहली चांस पे पेन नहीं डूबी थी ना. फिर when the pen, its refill and its cap were put into the water separately, which objects float and which sink? अब क्या हुआ, जब हमने पेन को डाला और उसके कैप को अलग करके डाला तो फिर क्या हुआ? When a pan, its refill and its cap were put into the water separately,
ओनली द एम्प्टी पैन एंड इट्स कैप फ्लोट वाइल द रिफिल सिंक। फिर क्या हुआ, उसका जो पैन का कैप था और पैन जो थी वो फ्लोट कर रहे थे, बाकी उसके रिफिल वगैरह जो थी वो सिंक हो गए थे, मतलब डूब गई थी। इन विच कंडीशन डज द एम्प्टी पैन सिंक, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई डिड इट दिस हैपन। द एम्प्टी पैन सिंक इन क्लाइंड पोजिशन बिकॉज सिंस वाटर एंटर द पैन इट्स वेट इंक्रीज। जब पैन में वेट पानी भर गया तो पैन का वेट क्या हो गया, भारी हो गया ना, तो उसकी वजह से क्या हो गई, पैन डूब गई। और हल्की रहती तो वो तैरने लगती। टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक बॉटल, फिल इट हाफ विथ वाटर, पुट 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड इट क्लोज टाइटली। नाउ द शेक इट प्रॉपरली, वॉट डज यू सी इन साइड द बॉटल। नाउ कीप द बॉटल स्टेबल सम टाइम एंड सी वॉट हैपन। अब आप एक बॉटल लीजिए, उसमें पानी डालिए और 8 से 10 बूंदे ऑयल की डालिए और उस बॉटल का कैप जो है वो टाइटली बंद कर दीजिए और उसको शेक कर दीजिए। फिर आप क्या देखते हैं, उसके बाद क्या होगा, डज द ऑयल डिजोल्व इन वाटर, क्या पानी में ऑयल डिजोल्व हो जाएगा। नो, ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। फिर क्या होगा, वेयर डू यू सी द ऑयल इन द वाटर, द ऑयल फ्लोट्स इन द अपर लेयर ऑफ वाटर। पानी के ऊपर जो ऑयल है वो ऊपरी लेयर पे क्या दिखाई देगा, आपको तैरते हुए दिखाई देगा ना, वो डिजोल्व नहीं होगा। यू मस्ट हैव सीन ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ कुक्ड वेजिटेबल एंड पल्सेस, वाई डज इट हैपन। क्या आपने देखा है जब आप सब्जी या दाल बनाते हो तो उसमें देखा है कभी कभी कि ऊपर की तलहटी पर क्या, ऊपर की पोर्शन में ऑयल आ जाता है ना, तेल आ जाता है, तो वो क्यों होता है। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है। एंड डज नॉट डिजोल्व इन इट, और पानी में डिजोल्व नहीं होता है। हैंस द ऑयल इज सीन ऑन द सर्फेस ऑफ कुक्ड वेजिटेबल एंड पल्सेस, इसीलिए ऑयल जो है वो कुक्ड वेजिटेबल और पल्सेस में ऊपर की तरफ आ जाता है। वन डे व्हेन द मिल्कमैन कम, मीनाज मदर गेव हर अ कंटेनर टू ब्रिंग मिल्क। एक दिन दूध वाला आया और मीना की माँ ने उसे दूध लेने के लिए कंटेनर दिया। द मिल्कमैन मेजर्ड द मिल्क इन लीटर एंड गेव टू मीना। मिल्कमैन ने क्या किया, उस मिल्क को लीटर में मेजर करके मीना को दिया। मीना सेड इंस्टेंटली, मीना ने तुरंत कहा, अंकल द शॉपकीपर वेट द शुगर राइस पल्सेस व्हीट एटसेट्रा इन किलोग्राम एंड देन गिव देम टू अस। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो शुगर राइस पल्सेस और वीट का जो वजन होता है उसको किलोग्राम में नापते हैं और हमें देते हैं। यू ऑल्सो वेट द मिल्क फर्स्ट एंड देन गिव इट टू मी। आप भी वैसा ही करो कि आप पहले वेट चेक करो मिल्क का और फिर मुझे दो। देन मिल्कमैन सेड, द मिल्कमैन सेड, वी मेजर लिक्विड थिंग्स लाइक मिल्क ऑयल केरोसिन एटसेट्रा इन लीटर ओनली। तब मिल्कमैन ने कहा, जो भी हम लिक्विड चीजें होती हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑयल और केरोसिन भी किस में मेजर होगा, लिक्विड थिंग्स जो भी होंगी वो किस में होंगी, लीटर्स में होंगी। ओके, ओनली नाउ अ डेज वाटर इज सोल्ड इन द सील्ड बॉटल। अब आपने देखा है ना कि जो पानी की बॉटल्स होती हैं वो किस में मिलती हैं, सील्ड होती है ना, वो किस में, लीटर के रूप में होती है ना। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी लीटर में आती है ना, आप बोलते हो हाफ लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे दो, 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दे दो। तो जो लिक्विड चीजें होती हैं उसको हम लीटर में मेजर करते हैं। दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर, क्योंकि ये सारी चीजें लीटर में मेजर्ड होती हैं। ओके, इट इज सेइंग दैट फ्रेंडशिप शुड बी लाइक अ मिल्क एंड वाटर, व्हाई इट इज सेट टू व्हेन अ मिल्क एंड अ वाटर आर मिक्स टुगेदर दे लुक लाइक सेम कलर एंड शेप। सो फ्रेंड शुड लुक सिमिलर इन द सेम वे, देन ओनली फ्रेंडशिप कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे पानी और दूध को मिलाओ तो दोनों एक हो जाते हैं ना, वैसे ही फ्रेंडशिप होती है कि जो शेप और कलर होता है वो एक दोस्त का दूसरे दोस्त से मिलके बिल्कुल चेंज हो जाता है।
थिंग टू डू, टेक अ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्टी यूटेंसिल्स, पुट वाटर फ्रॉम 1 लीटर बॉटल इन ईच ऑफ देम, ऑब्जर्व हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर गेट्स फिल ऑफ ईच यूटेंसिल्स। अब आप 3 से 4 यूटेंसिल्स, एम्प्टी यूटेंसिल्स लीजिए और उसके अंदर 1 लीटर बॉटल पानी तीनों में डालिए और फिर उसको मेजर करिए कि यूटेंसिल्स कितने लीटर तक भरा हुआ है। ओके, अलग अलग तरीके की लेना पड़ेगा आपको यूटेंसिल्स। फिल अप बकेट ऑफ हाफ विद वाटर, पुट एन ऑल पिन इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपन। एक फुल बकेट या हाफ बकेट पानी लीजिए और उसके अंदर ऑल पिन डाल दीजिए पानी में। नाउ पुट द सेम ऑल पिन ऑन द पीस ऑफ न्यूज पेपर एंड प्लेस इट केयरफुली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर वॉट इट फॉर सम टाइम। वॉट हैपन, यू कैन रिमूव द पीस ऑफ पेपर न्यूज पेपर विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑल पिन इफ यू वॉन्ट। दिस इज अ एक्टिविटी, सो स्टूडेंट्स यू डू ऑल एक्टिविटीज एट योर होम। ओके, सो आर चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। थैंक यू एंड टेक केयर।